छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच धान खरीदी के मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई। विपक्ष ने अचानक इस पर स्थगन प्रस्ताव रखा, जिसे अग्रह कर दिया गया। इस पर विपक्ष ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि प्रदेश में कितनी धान खरीदी हुई है और कितनी खरीदी शेष है। जवाब देते हुए मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि पिछली सरकार से अधिक धान की खरीदी कर ली गई है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 26 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं और 3 लाख किसान धान नहीं बेच पाए हैं। पूरे प्रदेश से धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग हो रही है। जनवरी तक का दिया है, अभी तो धान खरीदी खत्म हो गई, तो टीवी में जो चल रहा है, पेपरों में जो चल रहा है कि 145 मतलब 145 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, क्या ये सही है? जी हाँ, सही है, सही है माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग उसमें थोड़ा सा कम है। अच्छा, तो इस साल पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा कितना है ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नवंबर का बता देता हूँ। नवंबर में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 386,280 मानी गई थी। माननीय मंत्री, माननीय मंत्री, मैं आपको सीधा पूछ रहा हूँ, धान खरीदी हो गया, आपने कहा टोटल जो धान अभी खरीदा गया है वो 145 लाख मैट्रिक टन है, तो आप ये मुझे बता दीजिए जो पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा टोटल कितना। माननीय ब्रिजमोहन जी, जरा मदद करिए, अभी आपने मदद की है, अभी मदद करिए ना, कितना रकबा है इसका? कुल रकबा माननीय विधायक के द्वारा पूछा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान की पंजीकृत किसानों की संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय 26,63 लाख, कुल पंजीकृत रकबा 33,39 लाख हेक्टेयर, कुल धान बेचने वाले किसान 24,72 लाख। नहीं, मैंने बता दिया, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, पंजीकृत कृषकों के बेचे गए धान का रकबा, आप इसको छोड़ के बाकी सब बता रहे हैं। 26,63,26,63 लाख 26,63 लाख 26,63 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 22-23 में खरीदी हुई थी अध्यक्ष महोदय, उसका रकबा था 29,06 लाख हेक्टेयर, और अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 26 लाख 3 लाख हेक्टेयर कम। छत्तीसगढ़ है माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, ये जी। कम नहीं है, अभी तो धान खरीदी जारी है और जारी है, इसलिए धान खरीदी खत्म हो गए, कहीं जारी नहीं है। क्या हो रहा है? कितना सीरियसनेस है ये संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से समझ में आ रहा है अध्यक्ष महोदय? ये सरकार धान खरीदी में और किसानों के मामले में कितना सीरियस है और इनको कितना इस मामले में सीरियस नहीं है, ये आपके उत्तर से समझ में आ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, रकबा कम हुआ 3 लाख हेक्टेयर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया 26 लाख समथिंग, और पिछले साल जो खरीदी हुई है वो 29 लाख के आसपास हुई है। नहीं हुई आप, ये उत्तर आप पिछले बार धान खरीदी की लिमिट, उमेश जी, अध्यक्ष महोदय, पिछले बार धान खरीदी की लिमिट 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी और इस बार 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित कर दी गई है। और कोई किसी के पास, किसी अध्यक्ष महोदय, किसी के पास अगर 10 एकड़ जमीन है तो अगर वो 8 एकड़ के रकबे पे ही उसका 21 क्विंटल अगर हो जाता है, पिछले साल 1,20,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, इस बार 1,45,00,000 मीट्रिक टन धान। माननीय सक्षम नहीं है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न करने के लिए खड़ा हूँ, क्या आप मुझे किस सदन को आदेशित करेंगे कि उत्तर मुझे किससे मिलेगा? बिल्कुल जवाब दीजिए भाई। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अब नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आप ठीक है, आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं, आप अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री दयाल दास जी विभागीय मंत्री हैं और उसको जवाब देना है, और उसके बगल में खड़ा हुए हैं उप मुख्यमंत्री जी, और ये इस प्रकार से सदन में पहली बार इस प्रकार से देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप निर्देशित करें कि उप मुख्यमंत्री जी अपने
बैठे या फिर वो खुद जवाब दे दे अपने आसंदी से बैठ के। लेकिन इस प्रकार से आगे बढ़ जाऊं, निर्देशित अगर आपका निर्देश होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, आप प्रश्न